आज की वीडियो में हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में कई आदमियों को प्रभावित करता है। वो है डायबिटीज मेलिटस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बीच का कनेक्शन। मैं हूँ डॉक्टर तुलिका दत्ता, सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट विद एलो हेल्थ। डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है कि जो खून है उसके अंदर शुगर बढ़ जाती है और उसी शुगर के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में काफी बदलाव आता है और इसी वजह से हो सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी दिक्कत हो। एक रिसर्च किया गया था जर्नल ऑफ डायबिटीज केयर में, जिसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत होती है उन लोगों में 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के। इस कनेक्शन के कई कारण हैं। सबसे पहले खून की नसें जो हमारी डैमेज हो जाती हैं। जब हमारा शुगर बढ़ जाता है उससे हमारी खून की जो नसें हैं वो हमारी डैमेज हो जाती हैं। हो सकता है कि वो थोड़े साइज में छोटी हो जाती हो। अब हमारा इरेक्शन कब होता है? जब हमारा खून नीचे की तरफ जाता है। तो अगर खून की नसें छोटी हो जाए साइज में तो वो खून ढंग से नीचे जा नहीं पाता और इसकी वजह से इरेक्शन में हमारे को दिक्कत आ सकती है। डायबिटीज और ये शुगर जो है हमारी नसों को यानी नर्व्स को जिससे हम चीजें महसूस करते हैं उसको भी डैमेज करता है। अब हमारा इरेक्शन कब होता है? जब दिमाग सिग्नल देता है शरीर को कि अब समय आ गया है सेक्स करने का। और ये जो सिग्नल होता है ये हमारी नर्व्स हमारी नसों से ही जाती है। अगर हमारी नसें डैमेज हो जाए शुगर की वजह से तो हमारे को इरेक्शन भी होने में दिक्कत होती है। डायबिटीज में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जिसके वजह से भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में कमी हो सकती है। अगर आप ये दवा खा रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये आपको दिक्कत आए, लेकिन इस दवा की वजह से भी कुछ लोगों को ये दिक्कत पड़ सकती है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बिल्कुल अवेलेबल है। सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने ब्लड शुगर पे कंट्रोल रखना। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो चांसेस है कि आपको ये दिक्कत ना हो। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहे, अपने आप को एक्टिव करते रहे तो आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में हो जाएगा और साथ ही में क्योंकि आप अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं तो वो ताकत बनी रहती है, उससे भी आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत ठीक हो सकती है। इरेक्शन को ठीक करने के लिए काफी दवाइयाँ आती हैं। अगर आपकी खून की नसें छोटी हो जाए तो उसको खोलने के लिए कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है जैसे फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स। लेकिन इन दवाइयों को तभी इस्तेमाल कीजिए अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया गया है। इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और जरूरी है कि पहले हम आपकी पूरी हिस्ट्री समझे कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं और फिर उसके हिसाब से ही आपको उचित दवाई दे। अगर डायबिटीज की वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन में कमी पड़ जाए, अगर काफी कमी हो तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी टेस्टोस्टेरोन और देना आपको, ताकि आपका जो हार्मोन है ये सही लेवल में पहुंचे और इसकी वजह से जो आपको दिक्कत हो रही है वो भी ठीक हो जाए। इन सारी चीजों के ट्रीटमेंट के लिए एलो हेल्थ पे जाइए ताकि वो आपको सही तरीके से डायग्नोसिस दे सके और फिर आपको समझा सके कि आपको कैसा ट्रीटमेंट लेना है।